चलिए आज हम लोग सेशन 31 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, क्वेश्चन ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ बोल रहे हैं चेंज हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद द फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, क्रिएट अ वर्ड ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से हम ऑन कर लेंगे, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ ओपन हुआ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग पेज लेआउट। सबसे पहले पेज लेआउट टैब पे आएंगे और बोल रहा है पेज साइज, पेज में आएंगे और मोर पेज साइज में आएंगे। और यहाँ बोल रहा है इन द पेज सेटअप विंडो इंटर सुटेबल हाइट वैल्यू। इसमें हाइट वैल्यू में आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें जो है ना वैल्यू एंटर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। मैंने यहाँ पे बोल रहा फिक्स नहीं है, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं 20.2 कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। चलिए इतना भी फिक्स हुआ और यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, से स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से यहाँ से ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, एंड अप्लाई अ सुटेबल पेज बैकग्राउंड कलर टू इट यूजिंग डिजाइन टैब। डिजाइन टैब का प्रयोग करेंगे और पेज कलर पे आकर के मोर कलर्स पे आएंगे और आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या करेंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। देखिए यहाँ से पेज का कलर हो गया, यहाँ से सबमिट करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सीधे यहाँ से देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग दिखाई दे रहा है पर लॉन्ग है नहीं। इंसर्ट अ शेप एंड चेंज इट्स आउटलाइन कलर फॉर द गिवन द स्टेप्स गिवन यू लो, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन कर लेते हैं और आगे क्या बोल रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंसर्ट राइट एरो। सबसे पहले तो इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में आएंगे और इसमें राइट एरो को इंसर्ट करेंगे। ये मेरा रहा राइट एरो, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। इसमें बोल रहा है फॉर्मेट टैब, तो सबसे पहले फॉर्मेट टैब में आकर के आई क्या कह रहा है, शेप स्टाइल ग्रुप शेप आउटलाइन। तो शेप स्टाइल ग्रुप इसमें है, इसमें शेप आउटलाइन पे आना है। बोल रहा है मोर आउटलाइन कलर पे आकर के एक सुटेबल कलर जो है ना चूज करना है और यहाँ से ओके करना है। मैंने यहाँ पे एक कस्टम से जाकर के ले लिया, यहाँ से आप सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, सिस्टम स्लो वर्क कर रही है, थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे इसके लिए। क्या है, इंसर्ट अ टेबल एंड रिमूव द आउटसाइड। एक टेबल को क्या करना है, इंसर्ट करना है और उसका आउटसाइड रिमूव करना है फ्रॉम दिस गिवन। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंसर्ट अ 1x3 क्या कर रहा है, टेबल को लेना है। तो कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे टेबल में और इंसर्ट टेबल में आएंगे, कॉलम 1 लेंगे और रो की संख्या 3 लेंगे, ऐसे ओके करेंगे। इसमें बोल रहा है इसका आउटसाइड जो है ना इसका रिमूव करना है, तो बॉर्डर में आएंगे और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर है, यहाँ से इसको रिमूव कर दिए, आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऐसे बड़ा दिख रहा है पर बड़ा है नहीं, तो घबराना नहीं है। नहीं क्या कर रहा है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से हम एक खाली वर्ड को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। बोल रहे हैं एंड गिव इन द सॉरी एंड इंटर द टेक्स्ट क्रिएटिविटी से लेकर के क्या करना है, फ्री तक क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ कंट्रोल सी वी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे हम, और इसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बोल रहा है नाउ रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स इन द चेक द स्पेलिंग। इसमें करना है, इसमें जो भी आप लिखे हुए हैं कि गलत या सही है, इसे स्पेलिंग के माध्यम से क्या करना है, चेक करना है। यहाँ से चेक कर लीजिए और यहाँ से क्या करना है, सबमिट करना है। बस इतना ही है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। चेंज वेट
ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, चौड़ाई क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे पेज लेआउट टाइप में आएंगे और साइज में आएंगे, सॉरी हाँ साइज में आएंगे और मोर पेज साइज पे आएंगे। और इसमें जो आपका विड्थ वैल्यू जो है ना, इसमें दिया नहीं है, आप खुद से क्या करना है, आपको इसमें एंटर करना। तो 15.15 ही डाल रहे हैं, यहाँ से आप ओके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एंटर किए हैं तो आपका आगे नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ऑन करना है एंड इंसर्ट एनी एन ओवल, सॉरी यहाँ से ओवल से इसको एक ड्रैग करेंगे। और इसमें क्या करना है, अप्लाई नो फिल से फिल में आएंगे, नो फिल करेंगे, बस इतना ही बोल रहा है, इसमें और आगे नहीं है। और इसे सबमिट करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखते हैं, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी आपको एक क्या करना है, खाली वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे हम ऑन कर लिए, अब बोल रहा है इसमें इंसर्ट और रेक्टेंगल शेप। तो सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में आएंगे और रेक्टेंगल शेप्स, जैसे आप पार्सर रखेंगे यहाँ पे तो दिखाई देगा, यहाँ से इसे क्या करना है, ड्रैग कर लेना है। और इसमें बोल रहा है अप्लाई नो आउटलाइन, इसमें क्या करना है कि शेप आउटलाइन में आएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन कर लेंगे, यहाँ से ऑन सेलेक्ट करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्या है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो वही है आपका, फिर से बस थोड़ा सा बदला हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे और यहाँ बोल रहा है इंसर्ट अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। तो इंसर्ट में आएंगे और टेक्स्ट में आएंगे और इसमें बोल रहा है सिंपल, तो यहाँ पर आपका रहा फर्स्ट में सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्लिक करना है। और इसमें बोल रहा है डिजाइन क्रिएटिव, इसे क्या करना है, इसमें आपको पेस्ट करना है, मैंने लिख दिया। और इसे बोल रहा है इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड मैक इज बोल्ड, इसे सिलेक्ट कर लेना है और इसे बोल्ड करना है। होम टैब में आपको मिलेगा फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, बोल्ड करके इसे ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ध्यान से देखते हैं, इंसर्ट अ टेबल। इसमें क्या करना है, टेबल को इंसर्ट करना है। तो इसमें क्या, कितना कितना इंसर्ट, 2 × 5। इसमें क्या करना है, कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। सबसे पहले इंसर्ट टेबल में आएंगे, कॉलम की संख्या क्या करना है, 2 डालना है और रो की संख्या कितनी है, 5 डालेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हाइड है, इसे हम क्या करें, अनहाइड कर लेते हैं यहाँ से। अब बोल रहे हैं डिजाइन पे आ करके क्या करना है, बॉर्डर ग्रुप में यहाँ से बॉर्डर पे, यहाँ पे पेन पेन कलर है, यहाँ से आपका जो है ना कलर कोई भी सिलेक्ट करके क्या करेंगे, इस बॉर्डर को क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। चलिए मैंने यहाँ से कलर कर लिया और यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपका 15 मिनट से टाइम रह गया है। यहाँ से क्या करेंगे, इंडिजाम करेंगे, आप चाहें तो इंडिजाम इसमें देख कर लिख सकते हैं या सेलेक्ट करके ड्रैग करके डाल सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये ओके का विंडो हाईलाइट ना हो। चलिए हाईलाइट हुआ, देखते हैं। चलिए यहाँ पे थर्ड अटैम्प बन रहा था, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ।